इंद्र कादियान जी निकल कर आए काउंटिंग रूम से। सर क्या अपडेट है ताजा? तीसरे राउंड में अभी अभी नतीजा है, उसमें जेजेपी बीजेपी से 2000 वोटों के मुकाबले आगे है, लेकिन जो ये बजट है ये देहात का अब वो खत्म हो गया, अब शहरों की गिनती शुरू होगी। हालांकि इस राउंड में भी जो 4 बूथ थे वो शहरों के बूथ थे, लेकिन जो बजट हुई है वो कोई ज्यादा नहीं, जिस प्रकार का माहौल देखा जा रहा था देहात में बीजेपी का, उस लिहाज से ये लीड काफी कम है। एक बार तो कितने लीड की कितनी हो गई है लीड? 2000 की लीड हो चुकी है। 2000 की लीड हो चुकी है। हमारे साथ अजय लोहान जी भी है। देहात का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, 22 के लगभग गांव पूरे हो गए, किस प्रकार से देख रहे हैं? 2000 वोट से ही सिर्फ आगे चल रही है जेजेपी। देखिए स्पर्श जिस प्रकार का अनुमान पहले लगाया जाता था उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम यहां पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव में ये माना जा रहा था कि जब तीसरे राउंड के नतीजे आएंगे तो तकरीबन 5 से 6 हजार वोटों से जेजेपी आगे होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बीजेपी भी मुकाबले में चल रही है और 2000 की लीड कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी शहर की काउंटिंग के सिर्फ 3-4 बूथ ही आए हैं, अभी बहुत सारे बूथ बचते हैं, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं और ये जेजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां जेजेपी ये दावा कर रही थी कि हमें 6000 से ज्यादा वोटों से गांव में बढ़त मिलेगी और शहरों में भी उनको अच्छा समर्थन मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये अब आंकड़े से हमें पता चल रहा है। और अभी अभी एक और सूचना हम अपने दर्शकों को पहुंचा दें कि एक निर्दलीय उम्मीदवार है धर्मवीर सिंह चोटीवाला, उन्होंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा हाउल्ला मचाया है। उनका कहना है कि अंदर सभी प्रत्याशियों के पास मोबाइल फोन है, उनको मोबाइल फोन लेके अनुमति नहीं है अंदर जाने की, और साथ में आरओ के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि मशीनों में भी गड़बड़ी यहाँ पे करवाई हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जेजेपी की तरफ की मुश्किलें भी यहाँ कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जेजेपी को जो है गांव देहात से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बीजेपी जो है तीसरे राउंड के बाद भी टक्कर देती नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल जो है जेजेपी 2000 वोट से आगे जरूर चल रही, लेकिन अब जो है असली मुकाबला शुरू होगा जैसे जैसे शहर के ईवीएम खुलेंगे, उसके बाद देखने वाली बात होगी किस प्रकार के नतीजे जो है चौथे राउंड में।